हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ अपने पीए मिक्सर को लैपटॉप या पीसी से कैसे कनेक्ट करें टू इजी वेज में। पहला हमारा ऑक्स या वायर्ड केबल के थ्रू, दूसरा हमारा ब्लूटूथ या वायरलेस मोड के थ्रू। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रखा है हमारा पीए मिक्सर, हमारा लैपटॉप एंड ये कुछ दो तरह की ऑक्स केबल्स, जिसमें कि एक हमारी ऑक्स केबल होती है TRS टू TRS जैक केबल, जैसा कि आप देख सकते हैं 6.35 mm जैक टू 6.35 mm जैक वाली केबल ये रही। एंड दूसरी हमारी ऑक्स केबल होती है जो कि 6.35 mm जैक टू 3.5 mm जैक वाली होती है, यानी कि हमारा फ़ोन वाला जो ऑक्स होता है। चलिए पहले हम लोग इसको वायर्ड केबल के थ्रू कनेक्ट करके बताते हैं। गाइस, हमने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है, अपना मिक्सर ऑन कर लिया है। तो आइए पहले अपने मिक्सर में एम्पलीफायर का वायर कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टू आउटपुट्स हैं, एक लेफ्ट चैनल का और एक राइट चैनल का। तो इसमें हम आइए अपना लेफ्ट चैनल में इसको कनेक्ट करेंगे और इसकी अपनी लेफ्ट की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे ऑक्स केबल के थ्रू। ये रही हमारी ऑक्स केबल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए इसको पहले अपने फिफ्थ चैनल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मोनो इनपुट पे आएगा। एंड अपने लैपटॉप के ईयरफोन वाले जैक आउटपुट पे इसको लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कनेक्ट हो गया, कुछ इस तरह का इसका कनेक्शन बना है। यहाँ हमने अपना फिफ्थ चैनल में इसको कनेक्ट कर दिया है मिक्सर में। एंड यहाँ पर हमने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया है इसको ऑक्स आउट में। एंड ये रहा हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट, लेफ्ट चैनल में हमने अपना एम्पलीफायर लगा रखा है। तो आइए सॉन्ग प्ले करके देखते हैं एंड वॉल्यूम बताते हैं कैसे कंट्रोल करनी है। हमने यहाँ पे अपना NCS का सॉन्ग लगा लिया है, जिस पर कोई कॉपीराइट नहीं आते। तो आइए अपना सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। हमने अभी अपने गेन को नहीं बढ़ाया, अपने बेस एंड ट्रेवल को हाफ हाफ कर लेते हैं। हम अपने ट्रेबल और बेस को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमारी पीक की लाइट ग्लो ना करनी चाहिए, ये हमारी क्लिप या पीक की लाइट होती है। आइए अब इसका इको एंड रिवर्ब चेक करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है इको रिवर्ब ऑन करने पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इफेक्ट्स का कंट्रोल है। तो हम अपने पहले इफेक्ट्स को यहाँ से ऑन करेंगे। ये हमारा ऑन हो गया इफेक्ट्स, ये रहा हमारा इफेक्ट्स का कंट्रोल एंड ये रहे हमारे इफेक्ट्स एंड ये रहा इफेक्ट्स का मेन आउटपुट। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने सॉन्ग को एंड देखते हैं इको का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where my steps still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fearing the person you are. Oh. अभी हमने केवल रिपीट को बढ़ाया है। यहाँ से हम अपने इफेक्ट को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं इसकी।
सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा ऑक्स केबल से लगा के अपने मिक्सर को कैसे प्ले करें अपना साउंड, अपना म्यूज़िक मिक्सर में अपने लैपटॉप से। अब प्ले करते हैं अपने ब्लूटूथ मोड पे इसको कनेक्ट करके, जिसको हम वायरलेस मोड पे ही बोल सकते हैं प्ले करना कि कैसे प्ले करते हैं। तो आइए अपना वायरलेस मोड इसका देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपना ऑक्स हटा लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे चैनल 6 पे है एंड ये आ गया हमारे USB पे। इसमें पास आके हम देखते हैं कि इसमें मोड का एक स्विच दिया हुआ है, जिसमें हम एक बार टैप करेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा। और यहाँ अपने लैपटॉप में हम सेटिंग्स ऑन करेंगे अपने, यहाँ से हमारा साउंड कंट्रोल्स आ जाते हैं। बट यहाँ पे हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आकर के सेटिंग्स में आएंगे, डिवाइसेस में आएंगे, यहाँ हमारा ब्लूटूथ है इसको ऑन करेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ मोड पे मिक्सर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐड न्यू ब्लूटूथ डिवाइस, यहाँ पे FMX 106 DP जो कि मिक्सर का मॉडल है इस नाम से हमको शो होगा, इस पर टैप करेंगे कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया, इसको डन कर देते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे FMX 106 DP पे पेयर्ड हो गया। ये वापस अपना वर्चुअल डीजे ऑन करते हैं, आइए अपना सॉन्ग प्ले करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा ब्लूटूथ मोड ग्लो कर रहा है, ब्लूटूथ पे हमारा मिक्सर इस टाइम वर्क कर रहा है। हमारा 5th एंड 6th चैनल पे टॉगल स्विच है ब्लूटूथ या USB में, या हमारा चैनल इसमें ऑक्स इनपुट में। तो अभी हमने करेंटली इसको USB ब्लूटूथ मोड पे कर रखा है। आइए वॉल्यूम बढ़ाते हैं एंड साउंड टेस्ट करते हैं। सो गाइज, आपने देखा हमारा कनेक्शन, जैसे हमने बताया था टू वेज में हम आपको करके बताएंगे। एक हमारा इस ऑक्स केबल के थ्रू था एंड दूसरा हमारा ब्लूटूथ वायरलेस मोड पे था। आई होप आपको ये वीडियो कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इफ अभी भी कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किसको कैसे कनेक्ट करना है, किसमें कैसे कनेक्ट करना है। हमने सबसे पहले अपने एम्पलीफायर के लाइन इन में यहाँ से लेफ्ट चैनल में आउटपुट दिया। जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट चैनल से ही आउटपुट दें, अगर आपका स्टीरियो एम्पलीफायर है तो आप दोनों चैनल से आउटपुट दे सकते हैं, मोनो एम्पलीफायर है तो कोई एक चैनल से आप आउटपुट दे सकते हैं। ध्यान रखें आपकी क्लिप या पीक की लाइट ग्लो ना करे और अपना गेन कम से कम रखें और ट्राई करें कि हमारा आउटपुट जो आ रहा है, जिस भी हम फ़ोन से बजा रहे हैं, माइक से बजा रहे हैं या इवन ऑक्स से बजा रहे हैं, तो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा है, जैसे कि गेन हमें कम से कम उसका खोलना पड़े। एंड बेस ट्रेबल को हाफ ऑफ रखें, आपका साउंड एकदम क्लियर आएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज़।